हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कामदा एकादशी का महात्म्य और उसकी कथा। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, ये प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से भी पूछा था और जो समाधान गुरु वशिष्ठ ने कहा वो मैं आपसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे तथा राजा पुंडरीक का दरबार किन्नरों व गंधर्वों से भरा रहता था, जो गायन और वादन में निपुण और योग्य थे। वहां नित्य ही गंधर्वों और किन्नरों का गायन होता रहता था। भोगीपुर नगर में ललिता नामक रूपसी अप्सरा और उसका पति ललित नामक श्रेष्ठ गंधर्व का वास भी था। दोनों के बीच अटूट प्रेम और आकर्षण था। वे सदा एक दूसरे का स्मरण किया करते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गायन कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय और ताल बिगड़ने लगा। इस त्रुटि को राजा तो नहीं समझ पाया, लेकिन सभा में मौजूद करकट नामक नाग ने जान लिया और ईर्ष्यावश यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। राजा को गंधर्व ललित पर बड़ा ही क्रोध आया और राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुसरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती। कुछ समय पश्चात घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋष्यमुख ऋषि के पास पहुँच गयी। ऋषि ने उस अप्सरा से पूछा, तुम कौन हो और इतने घने जंगल में अकेले विचरण क्यों कर रही हो? तब ललिता ने अपने साथ हुआ सारा वृत्तांत सुना दिया और साथ ही इस समस्या का समाधान भी पूछा। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया। उनका आशीर्वाद लेकर गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और उसने श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से राक्षस ललित को पुनः अपने देह की प्राप्ति हुई और उसके सारे श्राप मिट गए। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इसे आम भाषा में फलदा एकादशी भी कहकर बुलाया जाता है। शब्द फलदा का अर्थ है फल की प्राप्ति और कामदा का अर्थ है कामनाओं की दात्री, अर्थात कामनाओं को पूरा करने वाली। इसे शास्त्रों में भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहकर संबोधित किया जाता है। कामदा एकादशी को ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। इस कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने वाले व्यक्ति की पूरी होती है हर ख्वाहिश। आशा करती हूँ आपके मन की भी हर ख्वाहिश पूरी हो। इसी इच्छा के साथ आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी ऐसे ही सुंदर कथाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।